जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियो लाडलू लाडियो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली सीआरपीएफ ट्रेडमैन को लेकर है, ट्रेडमैन और टेक्निकल दोनों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीजें जानकारी की नहीं है कि ट्रेडमैन की स्पेशली ड्यूटी किस प्रकार की होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। फॉर्म आप भरो उससे पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, कल को आपको पता चले कि ट्रेडमैन इस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, मैंने गलत फॉर्म भर दिया, गलत तैयारी कर ली। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेडमैन जिस भी ट्रेड, जैसे मैं आपको अलग अलग ट्रेड के उदाहरण दूंगा कि वो किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, और स्पेशली ट्रेडमैन में जाने का क्या नुकसान है और क्या हो सकता है फायदा, दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5-7 मिनट का होगा, आप देख लीजिए आपके भले के लिए। 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है और 1 अप्रैल से कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पर रक्षक बेच भी शुरू हो रहा है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन और टेक्निकल दोनों के लिए 1 अप्रैल से। अभी मौका है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मात्र 100 रुपए इसकी फीस अलाट दो और पूरी आपकी ट्रेड की तैयारी इस फीस में हो जाएगी, पहले पेपर की और फिर ट्रेड की तैयारी बिल्कुल फ्री है इस फीस में, मात्र 100 रुपए में, ठीक है। कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहां पर। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडमैन की स्पेशली ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले उसको बताने से पहले ट्रेडमैन से फायदा क्या, नुकसान क्या। बहुत सारे बच्चे क्या है कि गांव में बहुत सारी अफवाह सुनते हैं, ट्रेडमैन की तो जिंदगी ऐसे होते हैं, बहुत खराब होती है, ये होती है, वो होती है। पहली चीज मैं आपको लेकर दूं कि ट्रेडमैन की ड्यूटी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो सिपाही की ड्यूटी होती है उससे भी अलग और बहुत अच्छी ड्यूटी होती है ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन चाहे आप किसी भी ट्रेड से, बार्बर हो, रेगुलर हो, कुक हो, इन सब की जो पहली बात जो ड्यूटी होती है वो इन फील्ड, इनकी यानी आउट ड्यूटी कभी नहीं लगती है, फील्ड पर ड्यूटी कभी नहीं लगती है, मोर्चों में ड्यूटी कभी नहीं लगती है, आउट ड्यूटी कभी नहीं जाते हैं। ये जिस ट्रेड से लगते हैं उसी ट्रेड का इनको काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है तो वो चाहे कोबरा में चला जाएगा तो सफाई करेगा, या एनएससी में चला जाएगा तो भी सफाई करेगा, और जबकि उसको अलाउंस पूरे मिलेंगे। अगर मान लो वो सफाई कर रहा है कोबरा की किसी बटालियन में तो उसको 18,000 जो भी 17,500-17,700 जो है वो पूरा मिलेगा, तो ट्रेडमैन कहीं पे भी कमजोर नहीं। दूसरी बात, उसको प्रेजेंट टाइम में फोर्स में सीटीजीडी यानी कॉन्स्टेबल जीडी का दर्जा दिया गया है, तो जो जिस ट्रेड से लगेगा वो उसी ट्रेड में रहता है और उसी प्रकार की उसकी ड्यूटी होती है, और बहुत अच्छी ड्यूटी है। ट्रेडमैन में फैमिली रखने का मौका बहुत मिलता है अब जिस भी, क्योंकि कोई भी ट्रेडमैन कहीं पे भी ड्यूटी लगेगी तो 90% वो हेडक्वार्टरों में ही रहते हैं या ग्रुप सेंटरों में रहते हैं, तो वहां पर फैमिली रखने की सुविधा अच्छी होती है, और जो सिपाही पाई होते हैं बाहर बटालियन में ज्यादा होते हैं, समझ गए। नुकसान क्या होता है ट्रेडमैन में लगने का, ट्रेडमैन का तो फायदा एक तो ये हो गया कि कहीं पे भी जाओ अलाउंस पूरा मिलेगा, काम वही करना है, और ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ये सफाई कर्मचारी उसको सफाई करना वो कितने भी घंटे में कर ले, 4 घंटा सुबह कर लो, 4 घंटा शाम को कर लो, इस प्रकार से कर सकता है। दूध या जैसे कुक है तो वो सुबह सुबह खाना बनाते हैं 3-4 घंटे, शाम को बनाते हैं, दोपहर में बनाते हैं, बाकी उनकी रेस्ट रहती है फुल नाइट, उनकी कोई ड्यूटी नहीं लगती है एक्स्ट्रा। किसी भी ट्रेडमैन की कोई भी ट्रेनिंग में तो लगती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में जो जिस ड्यूटी में है उसको उस वही ड्यूटी करनी है, अलग से कोई भी उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। दूसरी बात, ट्रेडमैन से आप अगर आप मान लो ट्रेडमैन लग गए तो ट्रेडमैन से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप प्रमोशन तो नहीं होता ट्रेडमैन में, लेकिन आप पेपर देके एसआई बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हैं, आरओ में जा सकते हैं, डीएसपी भी बन सकते हैं ट्रेडमैन से, समझ गए बात को। लेकिन नुकसान सिर्फ ये होता है कि अगर मान लो आप ट्रेडमैन में लग गए और आपने आगे कोई पढ़ाई नहीं की, तो मतलब कि आपका जो सिपाही का प्रमोशन होता है 20 साल बाद में हवलदार के में, तो वो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडमैन में कोई भी प्रमोशन नहीं होता। यानी आप कुक लगे हैं तो कुक से ही रिटायरमेंट आओगे, आप सफाई कर्मचारी लगे तो सफाई कर्मचारी का ही काम करना है, आप चाहे जितने भी साल सर्विस कर लो फौज में, समझ गए बात को। ये तो होता है इसका नुकसान कि आप उसी ट्रेड में रहोगे, लेकिन यदि आप टैलेंटेड है, आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप 2-4 साल अगर सफाई कर्मचारी में भी काम कर लिए और बाद में अपने पेपर देके एसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, तो लोगों को बताते घूमोगे कि मैं सफाई कर्मचारी से उठ के आया हूं, खुददारियां दिखाओगे, ये कहीं कमजोर नहीं करती इंसान को कि आप सफाई कर्मचारी की ड्यूटी किए हो, ये बताने वाली बात होगी, जहां मोटिवेशन स्पीच दोगे कि मैं सफाई कर्मचारी था, आज पेपर देखे मैं सब इंस्पेक्टर बना हूं और कल को मैं डीएसपी भी बनूंगा एक सफाई कर्मचारी से उठकर, तो ये बताने वाली गौरव की बात होगी, सम्मान की बात होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेडमैन के बारे में जो आपने गांव में जो अफवाह सुन रखी है ना, सारी झूठी है।
आप तैयारी करिए ट्रेडमैन की, बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है, और बहुत ही तगड़े से तैयारी करिए, क्योंकि 9212 पोस्ट कम नहीं होती है। यह बहुत बड़ा पोस्ट का आंकड़ा है, और सिर्फ ओनली सीआरपीएफ में, बाकी डिपार्टमेंट में आना भी बाकी है। समझ में बात, सारे अलाउंस मिलते हैं ट्रेडमैन को, वो कश्मीर में रहता है तो उसको कश्मीर के अलाउंस मिलते हैं, कोबरा में रहता कोबरा का मिलता है, एनएसजी में रहता एनएसजी का मिलता है, पेमेंट हर सालाना वर्दी होती है जैसे एक सिपाही की होती है, सारी सुविधा सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो इतना है कि सिपाही से 20 साल बाद में एक हवलदार बन जाता है, और ये 20 साल बाद में भी कुक का कुक ही रहता है, सिपाही कर्मचारी का सिपाही कर्मचारी रहता है, बारबर का बारबर ही रहता है। समझ बात, लेकिन यदि आप में टैलेंट है तो आप पेपर देके आगे जा सकते हो, और काम कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है। ट्रेड में लग गए रात और दिन काम कर रहा, नहीं, वही 7-8-10 घंटे की ड्यूटी है, जितनी एक सिपाही की है उतनी ही ट्रेड वाले की ड्यूटी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो आप आराम से इसकी तैयारी करिए बिना झिझक के, समझ गए, वही वर्दी मिलेगी, गन भी वही मिलेगी, चलाने के मौका भी वही मिलेगा, जब फायरिंग करने जाओगे सब कुछ वही मिलेगा, और फौजी ही कहलाओगे, चाहे आप किसी भी हो, किसी भी जगह हो, फौज में लगे यानी फौजी ही कहलाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत। और हाँ, अब हर रोज इसकी क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनसे भी जुड़ना ना भूलिए।